अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन, ये चंद महीने पहले का किस्सा है। मेरे एक अदबी दोस्त बहुत अच्छे शायर हैं, हम उनके साथ नशस्त लगाए बैठे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे कोई ऐसा शायर बताइए जो कि बहुत ज़्यादा लोग उन्हें ना जानते हों, बहुत ज़्यादा वो मशहूर ना हुए हों, लेकिन उनका शेरी कद जो है वो बहुत बड़ा हो। तो मुझे कहने लगे कि आप फलां शायर को पढ़ें, एक नाम उन्होंने मुझे बताया। मैंने कहा ठीक है। अब घर आकर जब मैंने उनका मुताला करना शुरू किया तो थोड़ी देर बाद मुझे महसूस हुआ कि जो चीज़ मैं चाहता हूँ वो मुझे मैसर नहीं आ रही है इन अशार से। मैंने उन्हें फ़ोन किया और उनसे पूछा कि सर, आपने तो कहा था कि ये बहुत मज़ेदार शायरी है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही, मुझे लगता है इसमें किसी चीज़ की कमी है। तो उन्होंने मुझे बरमला जवाब दिया कि शायरी में कमी नहीं है, बल्कि शायद आपके शेरी तरबियत में कमी है। मैं उनकी बात सुनकर खामोश हो गया, और कुछ दिनों के बाद जब दोबारा मैंने अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार करके उसी शायर को दोबारा पढ़ना शुरू किया तो उनकी गज़ल मेरी नज़र के सामने से गुजरी और मुझे एहसास हुआ कि ये कितने बड़े शायर हैं। कि चराग सामने वाले मकान में भी ना था, ये सानहा मेरे वहमो गुमान में भी ना था, जो पहले रोज़ से दुआंगनों में था हायल, वो फासला तो ज़मीनों आसमान में भी ना था। ये गम नहीं है कि हम दोनों एक हो ना सके, ये गम नहीं है कि हम दोनों एक हो ना सके, ये रंज है कि कोई दरमियान में भी ना था। हुआ ना जाने कहाँ ले गई वो तीर के जो, हवा ना जाने कहाँ ले गई वो तीर के जो, निशाने पर भी ना था और कमान में भी ना था। जमाल पहली शनासाई का वो एक लम्हा, इसे भी याद ना था मेरे ध्यान में भी ना था। मक्ते से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हम आज बात कर रहे हैं जनाब जमाल एहसानी की। जमाल एहसानी 21 अप्रैल 1951 को सरगोधा में पैदा हुए। आपने अपनी इब्तदाई तालीम सरगोधा से ही हासिल की, उसके बाद आप अपनी अवाली उम्र में ही आप कराची तशरीफ़ ले गए, कराची शिफ्ट हो गए और वहाँ पर आपने अपनी तालीम जो है वो जारी रखी। आप मुख्तलिफ शोबाजात में वक्तन फवक्तन काम करते रहे और आप अपने अशार को बहुत खूबसूरती के साथ मुख्तलिफ मुशायरों में पेश करते रहे और अपने दौर में आपको खासी पज़ीराई मिली। मगर हमारा ये अलमिया रहा है कि हम हमेशा स्पॉटलाइट में मौजूद कुछ लोगों को ज़्यादा तशहीर दे देते हैं, उन्हें ज़्यादा बड़ा समझते हैं, ज़्यादा मुअद्दब हम उनके सामने हो जाते हैं, मगर कुछ ऐसे लोग हमारे पास मौजूद होते हैं जिनका कद बहुत बड़ा होता है न्यूयॉर्क की, लेकिन हम शायद उन्हें पहचानने से आरी होते हैं, या शायद उनका लेवल या उनका मयार हमारे मयार से कुछ ऊंचा होता है, और आपके मयार से ऊंची कोई भी चीज़ अगर आपको समझ ना आए तो वो आपके लिए खाम है। खैर, हम आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि आपके 3 मजमूए कलाम जो हैं वो मार्केट में मौजूद हैं, जिनका नाम अगर मैं आपके सामने पेश करूँ तो सितारे सफ़र, रात के जागे और तारे को महताब किया के नाम से आपकी 3 कुतब जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। ये वक्तन फवक्तन शाया होती रहीं और इनको इकट्ठा करके कुलियात जमाल जो है वो तरतीब दी गई, जो कि मेरे पास मौजूद है। हम आपके लिए जमाल की खूबसूरत शायरी में से कुछ गज़लें जो हैं वो आपके सामने पेश करेंगे। इन गज़लियात में से एक गज़ल आप अहबाब के गोश गुजार करना चाहूँगा। तेरी याद और तेरे ध्यान में गुजरी है, तेरी याद और तेरे ध्यान में गुजरी है, सारी जिंदगी एक मकान में गुजरी है, इस तारीख फजा में मेरी सारी उम्र, इस तारीख फजा में मेरी सारी उम्र, दिया जलाने के इम्कान में गुजरी है, अपने लिए जो शाम बचा कर रखी थी, अपने लिए जो शाम बचा कर रखी थी, वो तुझसे अहदो पैमान में गुजरी है, तुझसे उकता जाने की एक साथ भी, तुझसे उकता जाने की एक साथ भी, तेरे इश्क ही के दौरान में गुजरी है, दीवारों का शौक जहाँ था सबको जमाल, दीवारों का शौक जहाँ था सबको जमाल, उम्र मेरी उस खानदान में गुजरी है, दीवारों का शौक जहाँ था सबको जमाल, उम्र मेरी उस खानदान में गुजरी है। जमाल एहसानी की खूबसूरती ये है कि जमाल
अपनी ऐसी कैफियत जिनको जमाल ने बसर किया है उनको अपने अशार में आप तरतीब देते हैं, और इसी वजह से जमाल की शायरी बहुत अछूती है, आपका अंदाज़े बयान, आपका अंदाज़े तहरीर बहुत अछूता है। उस अंदाज़े कलाम में बहुत कम लोगों ने लिखा है जो वाक़ियतन शायरी को बसर करते हैं। एक खूबसूरत गज़ल आप अहबाब के गोश गुजार कि एक फ़कीर चला जाता है पक्की सड़क पर गाँव की, एक फ़कीर चला जाता है पक्की सड़क पर गाँव की, आगे राह का सन्नाटा है पीछे गूंज खड़ाओं की, आँखों आँखों हरियाली के ख्वाब दिखाई देने लगे, आँखों आँखों हरियाली के ख्वाब दिखाई देने लगे, हम ऐसे कई जागने वाले नींद हुए सहराओं की, अपने अक्स को छूने की ख्वाहिश में परिंदा डूब गया, अपने अक्स को छूने की ख्वाहिश में परिंदा डूब गया, फिर कभी लौट कर आई नहीं दरिया पर घड़ी दुआओं की, अपने अक्स को छूने की ख्वाहिश में परिंदा डूब गया, फिर कभी लौट कर आई नहीं दरिया पर घड़ी दुआओं की, डार से बिछड़ा हुआ कबूतर शाख से टूटा हुआ गुलाब, डार से बिछड़ा हुआ कबूतर शाख से टूटा हुआ गुलाब, आधा धूप का सरमाया है आधी दौलत छाँव की, उस रस्ते में पीछे से इतनी आवाज़ें आई जमाल, उस रस्ते पर पीछे से इतनी आवाज़ें आई जमाल, एक जगह तो घूम के रह गई एड़ी सीधे पाँव की। जमाल दिखाते हैं एक ऐसा अक्स अपने दौर के उन लोगों का जो कि वाकई शायद हवास बाखता है और उन लोगों को समझ नहीं आती कि कैसे अपनी इन कैफियात को उन लोगों के सामने पेश किया जाए। और बाज़ दफ़ा यूँ भी है कि जमाल की जो तारीख शायरी की कुछ तारीख रमज़ें हैं इनको अगर आप टटोलना चाहें तो आपको अपना आप कहीं दूर खड़ा दिखाई देता है। आप लिखते हैं, कब पाँव फिगार नहीं होते, कब सर में धूल नहीं होती, कब पाँव फिगार नहीं होते, कब सर में धूल नहीं होती, तेरी राह पे चलने वालों से लेकिन कभी भूल नहीं होती, सरे कूचा इश्क आ पहुँचे हो लेकिन ज़रा ध्यान रहे के यहाँ, सरे कूचा इश्क आ पहुँचे हो लेकिन ये ध्यान रहे के यहाँ, कोई नेकी काम नहीं आती कोई दुआ कबूल नहीं होती, हर चंद अंदेशाए जहाँ है बहुत लेकिन इस कारे मोहब्बत में, हर चंद अंदेशाए जहाँ है बहुत लेकिन इस कारे मोहब्बत में, कोई पल बेकार नहीं जाता कोई बात फजूल नहीं होती, हर चंद अंदेशाए जहाँ है बहुत लेकिन इस कारे मोहब्बत में, कोई पल बेकार नहीं जाता कोई बात फजूल नहीं होती, तेरे वसल की आस बदलते हुए तेरी हिजर की आग में जलते, तेरे वसल की आस बदलते हुए तेरे हिजर की आग में जलते हुए, कब दिल मसरूफ़ नहीं रहता कब जहाँ मशगूल नहीं होती, हर रंग जुनू भरने वालों शब बेदारी करने वालों, हर रंग जुनू भरने वालों शब बेदारी करने वालों, है इश्क वो मजदूरी जिसमें मेहनत भी वसूल नहीं होती, कब पाँव फिगार नहीं होते कब सर में धूल नहीं होती। अस जमाल में एक और जो कदर बाकी शुरा से मुख्तलिफ है वो ये है कि जमाल की शायरी में बाज़ दफ़ा आपको इंसान की वो तमाम एहसान के इंसान के जज्बात एहसास महसूसात जिन्हें वो कभी बयान नहीं कर सकता मगर उन्हें बसर करता है, जमाल उन एहसास को ज़ुबान देना जानते हैं। जैसे कि जमाल लिखते हैं कि बसर यूँ शबे उम्र कर जाऊँगा, बसर यूँ शबे उम्र कर जाऊँगा, कोई ख्वाब देखूँगा डर जाऊँगा, यही सोचता घर से दूर आ गया, यही सोचता घर से दूर आ गया, कोई रोक लेगा ठहर जाऊँगा, कोई रोक लेगा ठहर जाऊँगा, अगर बन ना पाएगी कोई जगह तो खाली जगह कोई भर जाऊँगा, अगर
भर ना पाई कोई जगह, तो खाली जगह कोई भर जाऊंगा, वो जब चाहे नजरें बदल सकता है, मैं जब चाहूं उससे मुकर जाऊंगा, वो जब चाहे नजरें बदल सकता है, मैं जब चाहूंगा उससे मुकर जाऊंगा, मैं फिर उससे वादा खिलाफी के बाद नया कोई पैमान कर जाऊंगा, किसी और से किसी और दिल में बना लूंगा घर, जब उसकी नज़र से उतर जाऊंगा, हाय, किसी और दिल में बना लूंगा घर, जब उसकी नज़र से उतर जाऊंगा, भिनक तक पड़ेगी न उसको ज़रा, दबे पाँव यहाँ से गुजर जाऊंगा, रहे ज़िद पे कायम अगर उसके यश्क, रहे ज़िद पे कायम अगर उसके यश्क, यही होगा एक दिन समर जाऊंगा कि हो रास्ता वापसी के लिए, कि हो रास्ता वापसी के लिए, मैं दानिस्ता कुछ भूल कर जाऊंगा, हाय, कि हो रास्ता वापसी के लिए, मैं दानिस्ता कुछ भूल कर जाऊंगा, यूं ही मरने वालों को रोते हुए जमाल एक दिन मैं भी मर जाऊंगा, यूं मरने वालों को रोते हुए जमाल एक दिन मैं भी मर जाऊंगा। आप आबाब के लिए एक और खूबसूरत गजल, ना कोई फाल निकाली ना इस्तखारा किया, ना कोई फाल निकाली ना इस्तखारा किया, बस एक सुबह यूं ही खल्क से किनारा किया, निकल पड़ेंगे घरों से तमाम सैयारे, निकल पड़ेंगे घरों से तमाम सैयारे, अगर जमीन ने हल्का सा एक इशारा किया, जो दिल के ताक में तूने चराग रखा था, ना पूछ मैंने उसे किस तरह से तारा किया, पर आई आग को घर में उठा के ले, पर आई आग को घर में उठा के ले आया, ये काम दिल ने बगैर उजरतों खसारा किया, अजब है तू के तुझे हिजर भी गरा गुजरा, अजब है तू के तुझे हिजर भी गरा गुजरा, और एक हम के तेरा वसल भी गवारा किया, हमेशा हाथ रहा है जमाल आंखों पर, हमेशा हाथ रहा है जमाल आंखों पर, कभी ख्याल कभी ख्वाब पर गुजारा किया। जमाल बहुत खूबसूरत शायर है, ये आप तमाम अहबाब के लिए है, आप तमाम अहबाब इसे पढ़िए और सोचिए कि ज़िंदगी में किस जगह पर आप और जमाल एक ही सफ़े पर हैं। आप सबकी समातों का बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम के मुतालिक अपनी कीमती राय से आगाह करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अस्सलामुअलैकुम।